हेलो फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, उसमें सरसों, सरसों जब थोड़ा थोड़ा भून जाए उसमें आलू काट के दे दें। आलू और सरसों को अच्छे से मिलाना है जिससे कि तेल में फ्राई होता रहे आलू। धीरे धीरे मिलाते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें लिड लगा देंगे। लिड लगाने से होता ये कि आलू थोड़े से सिमर होकर पक जाता है। देख सकते हैं मैंने प्लेट को फिर से लगा दिया है। इसके बाद आलू को हम फिर से स्टेयर करेंगे और इसमें बैगन को हम लोग दे देंगे। बैगन को देने से यह है कि आलू और बैगन एक साथ पकेंगे और साथ में टमाटर भी दे देंगे जिससे कि सारे वेजिटेबल्स एक साथ पक जाए। इसके बाद मैंने प्लेट को फिर से लगा दिया है। थोड़े थोड़े देर बाद आप लिड को हटा के भूनते रहें। इसमें मैंने मसाले दिए हैं, ज़ीरा, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। जी हाँ, देख रहे हैं आप, मैंने लिड को फिर से लगा दिया थोड़ा थोड़ा हिला के। लास्ट इंग्रेडिएंट्स है इसमें सरसों देना। सरसों को मैंने पेस्ट करके दिया है। सरसों को मिला देंगे आलू बैगन की सब्जी में। धीरे धीरे मिलाते रहे, ज़्यादा सरसों को भूजना नहीं है। ज़्यादा सरसों को भूजेंगे तो इससे इसमें एक कसाव आ जाएगा, टेस्ट नहीं अच्छा होगा खाने का। इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे तो, मुझे लगा। फिर मैंने इसमें मिर्च दे दिया और ये रेडी है आपके सामने, रेडी एंड सर्व। सो एंजॉय माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।